दो गज जमीन के लिए चाचा को गोली मारने वाले भतीजे को हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा। 10 वर्ष का हुआ कठोर कारावास, 30,000 रुपये का ठोका अर्थदंड। जमीन की लालच में एक भतीजे को अपने सगे चाचा के ऊपर गोली चलाने के आरोप में न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कई वर्षों तक चले ट्रायल के बाद अंततः न्यायालय ने ये माना कि आरोपी ने जानबूझकर अपने चाचा को जान से मारने का प्रयास किया था, जिसमें फैसला सुनाते हुए बीती शाम चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। इस पूरी घटना को लेकर लोक अभियोजक DN मिश्रा ने बताया कि आज से तकरीबन 7 वर्ष पूर्व आरोपी ने 2 अगस्त 2016 को अपने चाचा के ऊपर बंदूक से फायर किया था, जिसका ट्रायल चलने के बाद न्यायालय ने आरोपी रावेंद्र सिंह उर्फ लल्लू निवासी सिकरवान टोला महसाओं को हत्या के प्रयास का दोषी माना है, जिसमें आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक DN मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुड़ थाना क्षेत्र के महसाओं सिकरवान टोला में 2 अगस्त 2016 को सुखी लाल पटेल के ऊपर बंदूक से फायर किया गया था, जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची थी। मामले में गुड़ पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला न्यायालय में पेश किया था, जहां पे साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है। प्रस्तुत है लोक अभियोजक DN मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये गुड़ थाना क्षेत्र का मामला है। गुड़ थाना क्षेत्र में फरियादी सुखी लाल पटेल को आरोपी रावेंद्र सिंह उर्फ लल्लू, पिता कृष्णपाल सिंह, 41 वर्ष का है लड़का, ये सिकरवारान टोला महसा थाना गुड़ का रहने वाला है। इसने आरोपी ने अपने चाचा के ऊपर ईयर गन से फायर किया था, और ईयर गन से फायर करने के बाद ये अपने घर के अंदर छुप गया था। फरियादी खून से लथापथ हो गया था, उसके गर्दन और सीने में ईयर गन से फायर से चोट आई थी, और उसे संजय गांधी अस्पताल फरियादी को ले आया गया। इस पर पुलिस थाना गुड़ को सूचना हुई और गुड़ थाना से पुलिस आई, और देहाती नाल सी संजय गांधी अस्पताल से ही लेक की गई, जिसको थाना गुड़ की पुलिस ने 0/16 पर देहाती नाल सी लेक करके और इसी SL नंबर पर ले जाकर थाना में रजिस्टर्ड किया। असल नंबर जो थाना गुड़ का है वो 168/16 है, और पुलिस ने इसमें 307, 326 का मामला रजिस्टर्ड करने के बाद पूरी विवेचना की। विवेचना पश्चात न्यायालय में इस मामले को पेश किया, और ये उपार्पण होकर के ये मामला 3/9/2016 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा के न्यायालय में पेश हुआ, और फिर इसके बाद ये विचारणा हेतु चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती पद्मा जाटव जी के न्यायालय में अंतरण पर प्राप्त हुआ, जिस पर आरोप पत्र बनाए गए और 4/1/2018 से इस प्रकरण पे साक्ष्य प्रारंभ किया गया, और आज दिनांक को विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती पद्मा जाटव जी ने इस पर विचारण करने के उपरांत इसे दोषी पाया, और इसे धारा 307 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुलजिम को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। क्या नाम है आपका? DN मिश्रा, अतिरिक्त लोक अभियोजक